आज के वीडियो में बात गोदी मीडिया की उन डिबेट्स की करेंगे जिनमें मीडिया एंकर्स ने भाजपा नेताओं को टोका और तीखे सवालों में घेरा, जो अक्सर गोदी मीडिया की डिबेट्स में कम ही देखने को मिलता है। इंडिया टीवी पर राजस्थान में हुई घटना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता को घेरना शुरू किया, जिस पर प्रवक्ता ने विपक्ष पर उंगली उठानी शुरू की, तो एंकर ने भी भाजपा प्रवक्ता को सवालों में घेर लिया। कि जब राजस्थान में इतनी बेरहमी से एक दलित को मार मार के पीटा जाता है और वो कोमा में चला जाता है, इतनी बुरी तरह से उसको मारा जाता है और फिर थोड़े दिनों में उसके वो मर जाता है, तो क्यों नहीं वहां पे लोग पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि सवाल तो, लेकिन सवाल देखिए, उदित राज जी ने बड़ा सीधा उठाया, उन्होंने कहा कि आपको रोका किसने? जनता पार्टी तो वहाँ विपक्ष में है, तो आपके नेता क्यों नहीं जाते वहाँ पर? दलित प्रेम का तभी उमड़ता है जब एक किसी ने शाजिया जी, बड़ा सवाल बहुत सीधा सा है शाजिया जी, प्लीज शाजिया जी, प्लीज प्लीज शाजिया जी, देखिए सवाल राजनीति है, वो उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं, वो नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। शाजिया जी, उदित राज जी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनका सीधा कहना है कि अगर आपको राजस्थान में कोई त्वरित कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती तो जाइए प्रदर्शन कीजिए, किसने रोका है आपको? तो फिर ये मैं वही तो कह रही हूँ, मैं वही तो मैं ही कहना चाहूंगी कि आप कब तक क्यों जाएं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता अपना जवाब दे रही थी तो भाजपा प्रवक्ता बीच में बोल पड़े, जिसके बाद एंकर ने जब चुप करने को कहा तो वे एंकर को बोलने लगे, पर एंकर ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया। सर वो महिला है, वो बहुत बहुत डंके की चोट पर अपना पक्ष रख रही है, उनको उनको नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, अपना पक्ष रखेंगी महिलाओं को गालियां बकने का अधिकार, बिल्कुल भी नहीं, गालियां गालियों का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन तथ्यों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो, क्यों इतना इतना कर्ज में है क्या? आज तक इतने दबाव में क्यों है? आज तक पे गालियां बकी क्यों? हम जी दबाव में रहे, हम जी दबाव में रहे, कांग्रेस के दबाव में क्यों है? ना कांग्रेस का बताइए ना, सुनिए सर, ना जो है पैकेज ज्यादा बढ़ा दे रहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर सर, ना हम कांग्रेस के दबाव में है, ना बीजेपी के दबाव में है, ना सपा के, ना बसपा के, डंके की चोट पर बोलते हैं सर, नहीं नहीं नहीं, सुप्रिया सिन्हा जी मेरी सम्मानित, मेरी सम्मानित गेस्ट है सर, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए, एक छोटा सा मुझे यहाँ ब्रेक लेना होगा, नहीं नहीं अभद्र शब्द, अभद्र शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा, एक छोटा सा ब्रेक, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। न्यूज 18 पर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बीच बहस के दौरान कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जब एंकर ने भाजपा प्रवक्ता को रोकने की कोशिश की तो प्रवक्ता ने एंकर को टोका, जिस पर एंकर ने सुना दिया, इन्हें भगवान माफ नहीं करेगा, और जो गांव में कहावत है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मत बोलिएगा, हाय आपको लगेगी वो आप सोच नहीं सकते, मत बोलिएगा, मत बोलिएगा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, सुनील जी अपने मुंह से, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, लोगों को, सुनील जी, सुनील जी, आप बहुत यंग हैं, बहुत यंग हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक शब्द से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, मैं प्रेम जी मैं कह रहा हूँ, सबसे कहता हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, ये बेशर्म कह रहा हूँ, इनको हराम खोर कहूँ, अब लीजिए फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं कहने की, तो आपने तो बराबर ही कर लिया हिसाब किताब, आपने जब हिसाब, मैं उनको यही कहने जा रहा था प्रेम जी, मैं उनको यही कहने जा रहा था कि व्यभिचारी शब्द से बचना चाहिए, व्यभिचारी शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने ही आरामखोर बोल दिया, तो मैं क्या कहूँ उनसे, तो बराबर हो गया, चलिए बोलिए सुनील जी, बोलिए सुनील जी, बोलिए सुनील जी, बोलिए। आज तक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित के बार बार टोकने पर उन्हें टॉन्ट मारा, जिस पर संबित ने अंजना ओम कश्यप पर सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने भी सुना दिया, टॉपिक पे आ रहा हूँ, टॉपिक पे, अरे मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपको मुझे जवाब देने दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे अपने शो में और मैं सुनूंगा, आपको जो बोलना है बोलिए, क्यों ना करें, आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है, बेवजह की बहस कर रहे हैं आप, ये कौन सा तरीका है बात करने का, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस तरह से बात करनी है, बिल्कुल बताएंगे आपको,
आप अगर इस प्रकार की भाषा को अपने शो में अब इनकी दादागिरी चलती है ना, ये शो अंजना जी का नहीं है, ये शो संबित पात्रा का है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो आप उसकी आपत्ति दर्ज कराइए, अगर हमने सुना होता तो उसको जरूर ठीक किया होता, अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराइए, लेकिन ये क्या अंजना जी का है, ये संबित पात्रा का है, पात्रा बोला आपने सुना ही नहीं, आप मुझ नहीं सुना क्योंकि आप दोनों लगातार एक साथ बोल रहे हैं, अभी आप दोनों एक आप पूछिए लोगों से। आपको मीडिया की डिबेट्स कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।